हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल की ये पहली वीडियो है। इसके पहले आप लोग यदि आपको किसी ऑफिस में वर्क करना है तो आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आना बहुत ही ज़रूरी है। एमएस वर्ड को हमने एमएस वर्ड ट्यूटोरियल के अंदर सीख लिया है। यदि आप लोग नहीं देखा होगा उसके वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाके आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एमएस एक्सेल एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। यदि अगर आज के डेट में कोई भी प्राइवेट जॉब अगर आपको करनी है तो एमएस एक्सेल आना ज़रूरी है। चलिए एमएस वर्ड सीखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आप एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, अकाउंटिंग विद टैली, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और वेब डिजाइनिंग में मास्टर होना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए एमएस एक्सेल शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है एमएस ऑफिस का। तो इसको ओपन करने का तरीका है, स्टार्ट पे जाइए और आप इसमें एमएस ऑफिस का एक दिया है, एमएस ऑफिस यहाँ पे है और यहाँ से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। यदि आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम और एमएस ऑफिस और उसके अंदर एक्सेल होगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। या अगर शॉर्टकट की यूज करना है तो विंडोज़ की प्लस आर दबाइए और यहां पे एक्सेल टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, तब भी आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो एक्सेल ओपन होने के बाद आप इसके इंटरफेस को आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से हमारा इंटरफेस है। जैसे आप एमएस वर्ड खोलते थे तो उसके अंदर पेजेस शो करता था, इसमें पेज के स्थान पर सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसके अलावा भी आप सीट ले सकते हैं कई सारे। और ये हमारा ऊपर टाइटल बार है, टाइटल पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यूज एंड व्यू, ये हमारे टैब हैं। इसको एक एक करके हम लोग सीखेंगे। ऑफिस बटन्स यहाँ पे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम एक्सेल के बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जब एक्सेल हम काम करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। आप देखते हैं एमएस एक्सेल, देखिए इसमें कई सारे खाने हैं, इस खाने को हम लोग बोलते हैं सेल, या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। जो ये वर्टिकल लाइन है वो कॉलम कहलाता है। हम लिख लेते हैं कॉलम, कॉलम की संख्या 16384 होती है, इतने बड़े कॉलम होते हैं 16384। और इसका जो लेबल होता है, उसका जो नाम होता है, वो ए से स्टार्ट होता है। पहले कॉलम के लिए ए होता है, दूसरे के लिए बी होता है, इस तरीके से डॉट डॉट जेड तक जाता है। जेड के बाद व्हाट, तो क्योंकि 26 ही कॉलम जेड होते हैं, 26 ही, लेकिन होता है 16384 कॉलम। उसके बाद ए ए कामा ए बी, फिर ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ए जेड तक जाएगा, फिर उसके बाद बी ए आएगा, फिर डॉट 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 बी जेड तक जाएगा, इस तरीके से बढ़ते हुए यक्स आई भी तक जाता है, सॉरी एक्स एफ डी तक जाता है। इस तरीके से हमारा 16384, इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के आप अगर कीबोर्ड से राइट एरो अगर आप प्रेस करेंगे, कॉलम प्रेस करके, कॉलम दबा के राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक्स एफ डी तक लास्ट रो में। इसके बाद आप देख रहे हैं कोई कॉलम नहीं है। फर्स्ट पे जाना है तो कंट्रोल दबा के राइट बटन, राइट एरो की दबाएंगे, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। और हमारा जो वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। रो की जो संख्या होती है 10,48,576, ये होती है। अगर इसको लास्ट कॉलम पे जाना है, लास्ट रो पे जाना है, तो कंट्रोल दबा के डाउन एरो अगर प्रेस करेंगे तो हम लोग देखिए एकदम नीचे चले गए, इसके बाद कोई भी रो नहीं है। अगर फिर से ऊपर जाना है तो कंट्रोल दबा के अप बटन, अप एरो दबाएंगे तो हम सबसे ऊपर चले जाएंगे। तो देख रहे हैं कितनी विशाल सीट है, जिसमें 16384 कॉलम और रो 10,48,576। और इसका जो नंबरिंग होता है, रो का ए से स्टार्ट होगा, फिर दो जाएगा इस तरीके से 10,48,576। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें होगी। हाँ, एक चीज़ और, जो सेल होते हैं, सेल की जो संख्या होती है, जो हमारा सेल होता है
जो खाने होते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं। इनकी संख्या होती है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, रो एंड कॉलम का। तो हम मल्टीप्लीकेशंस कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशंस कैसे होता है अभी हम आपको बताते हैं। अभी मैं करके आपको गोल दिखा दे रहा हूँ। देखिए 17,17,98,69,184 सेल होते हैं। हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे खाने हैं, इस खाने का एक अपना एड्रेस है। पहले हम देखते हैं वो किस कॉलम में है, एच कॉलम में, और किस रो में है, एच एट। तो इसका एड्रेस हो गया एच एट। इसका क्या एड्रेस होगा फ्रेंड्स, ये हमारा ई कॉलम में है और ई 14, तो इसका एड्रेस होगा ई 14। उसके बाद हमारा ये ओ 3, आप किसको भी जिस जहाँ पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका एड्रेस शो करेगा। यानी हर सेल का एक अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। पहले दिखाता है कि वो किस कॉलम में है और वो किस रो में है। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक चीज़ें हो गया, कॉलम, रो, सेल। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, इतना चीज़ें आपको मस्ट मालूम होना चाहिए। अब एक्सेल का कुछ हम पावर देखते हैं कि एक्सेल में हम वर्क कर कह सकते हैं। सपोज करो 1 हमने लिखा और इसको हमने ड्रैग कर दिया और फिल सीरीज कर दिया, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, आप देखेंगे पूरा क्रम से आपका नंबरिंग हो गया। कैसे किया फिर से एक बार देखिए, मैंने 1 लिखा और इसको ड्रैग कर दिया, अब यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आया, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे फिल सीरीज कर दिया, तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 का टेबल लिखना चाहते हैं तो 4 और 2 8 हो जाएगा। दोनों को सेलेक्ट किया और इसको हमने ड्रैग कर दिया, इस तरीके से हमारा एक टेबल बन जाएगा। आप एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, जो हमारा ये पॉइंटर है जो मूव कर रहा है, इसके एक्सेल के सीट पे 3 सेफ होते हैं। पहला तो ये सेफ जो आप देख रहे हो सब बीच में खाली खाली है, प्लस जो है एकदम ब्लैंक ब्लैंक है। इस कंडीशंस में हम किसी भी सेल को, किसी भी कॉलम को या रो और कॉलम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी कुछ करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हैं, जैसे कलर कर सकते हैं, साइज को बढ़ा सकते हैं, रेड ब्लू, यानी जो भी कुछ करना है आप कर सकते हैं। और दूसरा, आप सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आप देखिए पॉइंटर आपका ये एरो हो गया, चारों तरफ अप डाउन लेफ्ट राइट एरो बन गया। तो आप इसको यहाँ से पकड़ के कहीं भी इसको मूव करा सकते हैं। फिर है, तो आप इसको हम बोल सकते हैं मूव पॉइंटर। और ये जो चीज़ हमारी हैं आप इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो आपका ये देखिए प्लस फिल प्लस है, यानी इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। तो इस पॉइंटर का यूज हम किसी फार्मूले को ड्रैग करने के लिए करते हैं। जैसे हमने इसको फार्मूले को ड्रैग कर दिया, यहाँ पे 4 प्लस सीरीज कर दिया, यहाँ से क्लिक कर दिया और यहाँ से हमने फिल सीरीज कर दिया। तो आप देख लीजिए क्या चेंजेज हो रहा है। यानी हमारा जो ये है सिलेक्शन के लिए होता है, इसको कहीं पे मूव करना है, जैसे हमें इसको मूव ले गया कहीं ले आके रखना है तो आप इसको मूव कर सकते हैं। और किसी फार्मूले को ड्रैग करना है तो आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। और हमारे पास कई सारे सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो हम सीट 2 पे वर्क करके आप दिखाते हैं। सीट 2 पे भी सेम रो और सेम कॉलम और सेल होते हैं, उसमें चेंजेस कुछ नहीं होते हैं। जैसे अभी हमें सन लिखा तो ये संडे, अभी हमें देखिए पूरा हो गया और यहाँ से हमने संडे ये क्लिक किया और यहाँ से ये हमने इसको कर दिया। अब यहाँ से जैन किया, यहाँ से ये हो गया और यहाँ पे हमने जनवरी किया, ये चीज़ें हमारी ये हो गई। तो इस तरीके से हमने फार्मूला है। अभी चारों चीज़ की सीटिंग है। आप ऐसा कोई सीरीज आप भी सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सब आगे हम बताएंगे, ये कैसे करेंगे इस चीज़ को। ये हो गया टेबल बनाना, मैंने आपको बता दिया 5, 6। जैसे हमें 10 का टेबल बनाना है तो 10, और हमें 10 दुनी 20 होता है, या 10 2 20, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर दोनों को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट का पॉइंटर इसमें हो जाएगा, फिर आप लास्ट में इसको ड्रैग करिए। देखिए इस तरीके का टेबल बन गया। अब हमें 12 का करना है, 10 के बाद 11 आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अभी मैंने बताया आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सीरीज कर लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 22 होगा। अब दोनों को सेलेक्ट करके और ये देखिए यहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, तो आप देखेंगे टेबल ऑटोमेटिक बन गया बड़े आसानी से। अब इसको हम कैसे फार्मूला यूज करेंगे, जैसे हमें
इसमें इतने चीज़ों को कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सेल में जब भी हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो पहले इक्वल टू लगा देते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद एक्सेल समझता है कि अब फार्मूला यूज़ होने जा रहा है, अब हमें जो भी सेल को हमें जोड़ना है तो ये जोड़ दिया, फिर प्लस बीच में कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इसको कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। और भी तरीका है, जैसे हम इज इक्वल टू सम से भी हम कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम फंक्शन का यूज़। अभी हम फंक्शन कामा बारी बारी करके पढ़ेंगे। यहाँ से हमने सम कर दिया और एक और सम कर सकते हैं, इस तरीके से भी सम कर सकते हैं, सिलेक्शन सम किया। और यहाँ से जब भी हमने कंटिन्यूसली यानी लगातार सेल को अगर आपको करना है तो कर दीजिए, ये हो सकता है, या बिना सम यूज किए करना है तो आप ये कर सकते हैं, बीच में ब्रैकेट लगाना है या यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। कोई अदर फंक्शन लगाना है, जैसे मैंने इज इक्वल टू कर दिया, इस सेल को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर इससे यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये देखिए मल्टीप्लाई होके आ गया। अब हमें देखना है कि इस सेल में कौन कौन सा यूज हुआ है, तो आप फार्मूला में जाके ट्रेस प्रेसिडेंट्स, यहाँ से ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि इस सेल में, इस फार्मूले में किस किस सेल का यूज़ किया गया है। और यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं और यहाँ से ये कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। तो बिल्कुल, ये हमने शीट 1 और शीट 2, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि क्या एक्सेल की बेसिक चीज़ें होती हैं, इसमें रो और कॉलम क्या होती हैं, सेल क्या होती है, कितनी संख्या होता है, कैसे फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, कैसे ड्रैग कर सकते हैं, कई टेबल बना सकते हैं, खुद से आप 20 से लेकर 50 तक का टेबल आप डिज़ाइन करिएगा, फार्मूला कैसे ड्रैग करते हैं, इस चीज़ को सीख लीजिएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक मार्कशीट बनाना सीखेंगे जो आपको बिल्कुल परफेक्ट बना देगा कि कैसे हम एक्सेल पे वर्क करते हैं। उसके बाद की वीडियो में होम इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा और रिव्यू और व्यू के बाद हम सारे फार्मूला को पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत सपोर्ट का काम करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।